के DLF प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर विशेष शिक्षा संकाय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से आपके मध्य आज पाठ्यक्रम कोड 503 के अंतर्गत कहानी शिक्षण की पाठ योजना नामक विषय से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि कहानी से तात्पर्य क्या है, कहानी किसे कहते हैं। कहानी का शाब्दिक अर्थ है कहना। साहित्यिक विधा के रूप में कहानी जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करने वाली वह रचना है जो मनोरंजन तथा कौतूहल वर्धक हो तथा जिसके अंत में किसी चमत्कारपूर्ण घटना की योजना प्रस्तुत की गई हो। कहानी के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मुंशी प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के लिए एक अंक या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। हिंदी में कहानी के लिए गल्प, कथा, लघु कथा आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। ये तो बात हो गया कहानी से तात्पर्य, यानी कहानी कहते किसे हैं। अब हम बात करते हैं कि कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है। हम बच्चों को क्यों कहानी पढ़ाते हैं, हम बच्चों को क्यों कहानी की शिक्षा देते हैं। तो कहानी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से है छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन करना, छात्रों को स्पष्ट एवं तर्कसंगत ढंग से विचार करना सिखाना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों के समक्ष व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार के आदर्श उपस्थित करना, छात्रों को वाचन एवं पठन में निपुण बनाना। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी के माध्यम से बच्चों में अथवा छात्रों में मनोरंजन भी होता है, तर्क शक्ति का विकास भी होता है, कल्पना शक्ति भी बढ़ती है, उनके समक्ष आदर्श चरित्र भी आते हैं तथा छात्रों को पठन में भी निपुण बनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कहानी शिक्षण का महत्व क्या है, क्यों कहानी शिक्षण हम करते हैं। तो महत्व की अगर हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम कहानी से बालकों का मनोरंजन होता है। अनेक अज्ञात तथ्य कहानी के माध्यम से बालकों को बताए जा सकते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं जो बालक नहीं देखा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ठाकुर का कुआं, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित है, उसकी चर्चा करें तो उसमें उन्होंने बड़े ही सही ढंग से बताया हुआ है कि कैसे छुआछूत का उस टाइम प्रचलन था। आधुनिक समय में जो बच्चे होंगे, जो बालक होंगे, वो नहीं जानते होंगे कि कैसे होता था ठाकुर, पहले के लोग कैसे होते थे, छुआछूत कैसा होता था। तो उसका उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, पूस की रात। आधुनिक समय के बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि पूस क्या होता है, पूस की रात में कैसा होता है, लेकिन प्रेमचंद्र जी की इस कहानी में बहुत ही मार्मिक ढंग से उस पूस की रात का वर्णन किया गया है। अतः कहानी के माध्यम से अज्ञात या तथ्य चीजें जो आधुनिक समय के बालकों में, जो शहरों में रहते हैं, उन्हें नहीं पता है कि पूस की रात में रात के कैसा होता है, उनके लिए कहानी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। कहानी के माध्यम से बालकों में तर्क, कल्पना, विवेक आदि की वृद्धि होती है। वही उदाहरण अगर हम देखें तो तर्क कर सकते हैं कि यहाँ छुआछूत कैसी होती है, अच्छा है कि बुरा है, उसमें तर्क की भावना आ जाएगी कि कैसे एक गरीब तबके की औरत पानी के लिए उसका पति मर जाता है। तो एक तर्क की, एक कल्पना की वृद्धि होती है कहानी के माध्यम से। कहानी गूढ़ एवं जटिल तथ्यों को सहज भाव से समझने में मदद करती है, चाहे वह कफन हो,
चाहे पूस की रात हो, चाहे ठाकुर का कुआं हो, इन समय गूढ़ बातें, बहुत गूढ़ बातें सम्मिलित हैं। छुआछूत की बातें हैं इसमें। इसमें है कि एक गरीब कैसे पूरी रात जगा रहता है अपने खेत की रक्षा करने के लिए। ये एक ऐसी भावनाएं हैं जिसको सहज रूप में कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी नए नए मुहावरों एवं शब्दों से परिचित कराती है। कई सारे मुहावरे, नए नए शब्द आपको कहानी के अंतर्गत मिल जाता है। तो कहानी शिक्षण का ये सब महत्व है। अब हम बात करते हैं कहानी शिक्षण की पाठ योजना, कि कहानी शिक्षण करते समय हम कैसी पाठ योजना बनाएं। तो पाठ योजना बनाते समय हम सर्वप्रथम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, फिर विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय का नाम होगा आप लिखें, दिनांक, जो दिनांक होगा वो आप लिखेंगे, छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, किस कक्षा के लिए पढ़ाना है, विषय हिंदी, उपविषय कहानी, कालांश कौन सा कालांश है, प्रकरण कौन सा है, कक्षा अवधि, शिक्षण अधिगम सामग्री। यहाँ पे हम लोग उदाहरण के माध्यम से चर्चा करेंगे। जैसे हमने उदाहरण लिया है कहानी के अंतर्गत, प्रकरण है सिकंदर की भूख। शिक्षण अधिगम सामग्री आप शिक्षक अलग अलग बना सकते हैं। इसमें हमने लिया है सिकंदर का चित्र, बच्चों से हम पहचान करवाएंगे, उसके बारे में वर्णन करेंगे। फिर आ जाएगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखेंगे छात्रों को मानव स्वभाव से परिचित कराना, छात्रों का मनोरंजन करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, कहानी के प्रति छात्रों की रुचि जागृत करना। ये सब कहानी शिक्षण में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं हम। तो अगर हमने प्रकरण सिकंदर की भूख लिया है, उसका विशिष्ट उद्देश्य हम लिख सकते हैं, छात्रों को सिकंदर की भूख नामक कहानी के माध्यम से भारतीय सम्राट वीर पौरव की देशभक्ति एवं सिकंदर की धन लोलुपता से परिचित कराना। विशिष्ट उद्देश्य में आप अलग अलग स्तर बनाकर भी लिख सकते हैं, जैसे ज्ञानात्मक स्तर पर, बोधात्मक स्तर पर, कौशलात्मक स्तर पर, रुचिगत स्तर पर। तो आप चाहें तो अलग अलग स्तर बनाकर उसके अंतर्गत भी लिख सकते हैं, अथवा इस उदाहरण के माध्यम से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हम लिखेंगे छात्र कुछ ऐतिहासिक कहानियां सुन चुके हैं, छात्र सिकंदर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ये आपके पूर्व ज्ञान की, अर्थात जो आप विषय जो या प्रकरण आप पढ़ाना चाहते हैं उससे संबंधित छात्र क्या जानता होगा, वो आता है पूर्व ज्ञान के अंतर्गत। पूर्व ज्ञान के बाद आएगा प्रस्तावना। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना प्रकरण पर लाने के लिए एक माध्यम है, अर्थात पूर्व ज्ञान एवं प्रकरण को जोड़ने का काम प्रस्तावना करता है। इस उदाहरण में प्रस्तावना के लिए हम कुछ प्रश्न पूछे हैं, जैसे भारत के कुछ प्रमुख राजाओं के नाम बताइए, भारत पर आक्रमण करने वाले कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के नाम बताइए, सिकंदर महान के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप चित्र दिखाकर उसका वर्णन कर सकते हैं। मूल तात्पर्य यह होता है कि छात्र को आपके विषय वस्तु आपके प्रकरण पर ले जाना है। तो इस उदाहरण में हमने प्रश्न के माध्यम से उस प्रकरण पर ले जाने की बात कही है। प्रस्तावना के बाद आएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि आज बालक या छात्र क्या पढ़ेगा। जैसे
इस उदाहरण में हम कह सकते हैं कि छात्रों, आज हम लोग सिकंदर की धन लोलुपता और राजा पौरव की देशभक्ति से संबंधित सिकंदर की भूख नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस उद्देश्य कथन से स्पष्ट है कि हम क्या करने जा रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सिकंदर की धन लोलुपता और राजा पौरव की देशभक्ति के पढ़ने में जा रहे हैं, और वो कहाँ से पढ़ेंगे, तो वो सिकंदर की भूख नामक पाठ से पढ़ेंगे। तो यह होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत स्पष्ट रूप से छात्रों को बताया जाता है कि आज हमें क्या पढ़ना है। कहानी शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम पाठ योजना में पेज पर बाएं साइड में पाठ्य वस्तु लिखते हैं और दाहिने साइड में पाठन विधि लिखते हैं। पाठ्य वस्तु के अंतर्गत हम जो विषय पढ़ाना होता है उसको लिखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने क्योंकि प्रकरण सिकंदर की भूख लिया था, तो पाठ्य वस्तु में हम लिखेंगे कि भारत की पवित्र भूमि में प्रवेश करने के लिए सिकंदर को भारत के वीर राजा पौरव से युद्ध करना आवश्यक था। सिकंदर पौरव के बल एवं पराक्रम को जानता था। एक दिन वह अपने सैनिकों को सिंधु नदी के उस पार छोड़कर स्वयं एक दूत के भेष में पौरव राज से मिलने आया। ऐसे ही आपका वो बढ़ता जाएगा प्रकरण। मैंने एक अनुच्छेद केवल उदाहरण के तौर पर लिया है, आप कई भागों में इसको बांट सकते हैं जितनी लंबी कहानी हो। पाठ वस्तु के बाद आप दाएं साइड में पाठन विधि लिखेंगे। पाठन विधि के अंतर्गत यह लिखना होता है कि आप कैसे छात्रों को यह पाठ पढ़ाएंगे या यह पाठ वस्तु कैसे पढ़ाएंगे। तो आपने एक पाठ वस्तु में एक अनुच्छेद ले लिया या एक भाग ले लिया। फिर यहाँ पे हमने उदाहरण दिया है कि पहला प्रश्न पूछ लेंगे कि सिकंदर को भारत में प्रवेश करने से पूर्व किससे युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि आप उसको पढ़ा चुके हैं। आप पाठन विधि में बच्चों से पूछ लीजिए, अथवा आप कोई चित्र दिखाकर उसका आप बच्चों से पूछ सकते हैं। चित्र के बारे में हो सकता है आप सिकंदर का चित्र दिखा दें, आप यूनान की किसी जगह का चित्र दिखा दें, आप पौरस राजा पौरस का चित्र दिखा दें। तो आप चित्र के माध्यम से भी आप इसको पढ़ा सकते हैं या वर्णन द्वारा पढ़ा सकते हैं। वर्णन करके आपने इसका वर्णन किया कि हाँ, सिंधु नदी में उस टाइम कितना पानी होता था, क्यों उसको पार करना मुश्किल था वो। तो आप एक वर्णन विधि से भी इसको पढ़ा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुतिकरण ऐसी जगह है जहाँ पर शिक्षक का काम सबसे ज़्यादा होता है, और शिक्षक को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि छात्रों की उतनी ही भागीदारी हो। छात्र केवल श्रोता बनकर ना बैठे, केवल एक तरफा शिक्षण ना हो, छात्र भी उतनी ही भागीदारी करे जितना शिक्षक का हो। इसीलिए शिक्षक जितना पढ़ाए छात्रों से वो चर्चा करता रहे, चाहे वो प्रश्न के माध्यम से करे, चाहे वो चित्र के माध्यम से करे, चाहे वर्णन के माध्यम से करे, उसको चर्चा छात्रों से करती रहनी चाहिए। तो ये बात हो गया प्रस्तुतिकरण की। प्रस्तुतिकरण के बाद आता है पुनरावृत्ति, यानी जब आप पाठ की व्याख्या कर लेते हैं, शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर लेते हैं, बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं, जब आपका पाठ खत्म हो जाता है फिर आप पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति के अंतर्गत शिक्षक कक्षा के छात्रों से थोड़ी थोड़ी करके कहानी सुनेगा। आप छात्रों से थोड़ी थोड़ी करके कहानी सुनिए कि हाँ, आप थोड़ा सा कुछ बताइए क्या हुआ था शुरू में। कोई बच्चा बताएगा कहानी कि हाँ, शुरू में सिकंदर मिलने गया था राजा से अपना भेष बदल कर। फिर किसी और से पूछिए उसके बाद क्या हुआ। यानी कि सभी छात्रों से थोड़ी थोड़ी करके कहानी आप सुन सकते हैं। पुनरावृत्ति के बाद फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न, अर्थात जो आप पढ़ा चुके हैं उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछना है। जैसे इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि पौरव राजा के दरबार में सिकंदर किस भेष में पहुंचा, सिकंदर ने दरबार में पहुंचकर क्या कहा। यह मूल्यांकन प्रश्न के अंतर्गत आता है।
क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा चुके हैं, बच्चे यह जान चुके हैं कि सिकंदर कैसे गया था, वहां पहुंचकर क्या कहा, तो आप उनका मूल्यांकन कर लीजिए मूल्यांकन प्रश्न के अंतर्गत। फिर आता है गृह कार्य। जब आप पाठ पढ़ा लेते हैं, पुनरावृत्ति भी हो जाता है, मूल्यांकन भी हो जाता है, तो आप छात्रों को घर से कुछ कार्य करने के लिए देते हैं ताकि छात्र घर पर जाके पढ़ें, उसका और अध्ययन करें। उदाहरण के तौर पे इसके अंतर्गत हम गृह कार्य में देंगे कि इस कहानी को अपने शब्दों में लिखकर लाएंगे, जो भी कहानी है उसका अपने शब्दों में लिखकर लाएंगे, ताकि बच्चे को अपने शब्दों में लिखने की आदत पड़ जाए। तो इस प्रकार से होया ये गृह कार्य। तो यहाँ आपका पता चल गया कि कैसे कहानी शिक्षण की पाठ योजना बनाई जाए। अब हम बात करते हैं कि इस पाठ योजना को कैसे क्रियान्वयन किया जाए। तो सर्वप्रथम जब शिक्षक कक्षा में जाता है तो वो प्रस्तावना पूछता है। प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, अतः प्रसंगानुसार उपयुक्त 3 या 4 प्रश्नों, चित्रों द्वारा अथवा अध्यापक कथन द्वारा प्रस्तावना की जा सकती है। प्रस्तावना के बाद आपको पता है उद्देश्य कथन कहा जाता है। उद्देश्य कथन, अध्यापक कहानी के शीर्षक का उल्लेख करेगा तथा श्यामपट पर लिखेगा। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया, उद्देश्य कथन में स्पष्ट रूप से उस शीर्षक को बताया जाता है कि क्या पढ़ना है आपको। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण, इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा मौखिक रूप से कहानी प्रस्तुत की जाती है। कहानी कथन की प्रक्रिया में कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जैसे पढ़ाए जाने वाले कहानी को आवश्यकता अनुसार 1 अथवा 2 भागों में विभक्त करना चाहिए। यह निर्भर करता है कि कहानी कितनी लंबी या छोटी है। इसको आप 1 भाग में भी पढ़ा सकते हैं, 2 भाग में, 3 भाग में कर सकते हैं। शिक्षक प्रभावपूर्ण ढंग से 1 भाग से संबंधित घटना का भावपूर्ण ढंग से वर्णन करेगा। बीच बीच में छात्रों की कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछेगा तथा कहानी में प्रयुक्त कठिन अथवा विशिष्ट शब्दों को श्यामपट पर लिखेगा। जो भी आप कहानी पढ़ाएंगे, बच्चों से बीच बीच में हम विकासात्मक प्रश्न पूछते रहते हैं ताकि आपको पता चलता है कि बच्चे पाठ में रुचि ले रहे हैं या नहीं, तथा बच्चों का ध्यान आपके पढ़ाने पर लगा रहेगा, उनकी कल्पना शक्ति जागृत होती रहेगी, इसीलिए हम विकासात्मक प्रश्न पूछते रहते हैं। फिर 1 भाग समाप्त होने पर शिक्षक छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेगा। आपने 1 भाग पढ़ाया, फिर कुछ प्रश्न पूछ लिया, फिर वैसे ही 2रा भाग आप शुरू करते हैं। क्रम से सभी भाग समाप्त कर लेने पर प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करते हुए पूरी कहानी सुनाने के लिए शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहित करेगा। इस अवसर पर कहानी के पात्रों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। आपने 1 भाग पढ़ाया, 2 भाग पढ़ाया, जब सभी भाग समाप्त हो जाता है तो आप छात्रों से कहानी सुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप कुछ छात्रों को दीजिए कि कुछ आप बताइए, कुछ आप बताइए। इससे वो प्रोत्साहित होते हैं छात्र कहानी सुनाने के लिए। कई छात्रों से थोड़ी थोड़ी कहानी सुनाने के लिए कहना उचित होता है, क्योंकि सभी छात्रों का मौखिक भाव प्रकाशन का अभ्यास हो सके। ऐसा नहीं करना चाहिए कि केवल 1 या 2 बच्चों से ही आप कहानी सुनने के लिए कहें। सभी को थोड़ा थोड़ा मौका देना चाहिए ताकि सबका मौखिक अभ्यास हो सके। उसके बाद आता है मूल्यांकन। संपूर्ण कहानी समाप्त करने के बाद प्राप्त ज्ञान के मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कहानी पर आधारित 4-5 प्रश्नों द्वारा छात्रों का मौखिक अभिव्यक्ति तथा विषय ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। कतिपय छात्रों से थोड़ी थोड़ी कहानी सुनी जाती है। कहानी से मिलने वाली शिक्षा पर प्रकाश डाला जाता है। आपने कहानियाँ पढ़ाए, इससे क्या आपको शिक्षा मिली, चाहे वो आप कफन पढ़ा रहे हैं, चाहे वो आप ठाकुर का कुआं पढ़ा रहे हैं, चाहे आप पूस की रात पढ़ा रहे हैं, हर एक कहानी का
से एक शिक्षा मिलती है, तो मूल्यांकन के अंतर्गत हम उस पर भी प्रकाश डालते हैं कि कफन से क्या शिक्षा मिली, ठाकुर का कुआं से क्या शिक्षा मिला, पुष्प की रात से क्या शिक्षा मिली, तो उस पर भी हमें प्रकाश डालना चाहिए। मूल्यांकन के बाद फिर आता है गृहकार। गृहकार के अंतर्गत कहानी कथन, चरित्र, शिक्षा, उद्देश्य, प्रभाव आदि लिखने के कार्य दिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत हम छात्रों से कह सकते हैं कि आपको कहानी के अंतर्गत जो भी पात्र या जो भी चरित्र अच्छा लगा हो उसके बारे में लिख कर लाइए कि क्यों अच्छा लगा है। अथवा हम ये भी उसको गृह कार्य दे सकते हैं कि इस कहानी से जो आपको शिक्षा मिली या जो आपको फ़ायदा हुआ उसको आप लिख कर लाएंगे। तो यह गृह कार्य के रूप में दिया जाता है। ये तो हो गया पाठ योजना को कैसे कार्यान्वित किया जाए। अब हम बात करते हैं कि कहानी शिक्षण को रोचक बनाने हेतु क्या किया जाए, कक्षा में कैसे हम कहानी पढ़ाएं जिससे वो रोचक बने, छात्र उसमें रुचि लें। तो कहानी कहने से पूर्व शिक्षक को उसकी समुचित तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसे कहानी कहने का अभ्यास एवं उपयोगी चित्रों आदि की तैयारी। कहानी कैसे कहा जाए, आपको पहले से अभ्यास करके कक्षा में जाना चाहिए। निर्भर करता है कि आप किस कक्षा के बच्चों के लिए जा रहे हैं, पहली कक्षा के लिए, दूसरी, तीसरी, उसके अनुसार आपको अभ्यास करना होता है कि कैसे हमें बोलना है, कैसे हमें प्रस्तावना देनी है। उसका अभ्यास करके आप कहानी सुनाएंगे तो आपकी कहानी बहुत ही रुचिपूर्ण हो जाएगी, बहुत प्रभावशाली होगी। इसीलिए कहानी को पढ़ाने से पहले अभ्यास कर लेना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ाना है। कक्षा में कहानी मौखिक रूप से कहनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहानी कक्षा में जाकर केवल पढ़ रहे हैं पुस्तक से देखकर। उसको मौखिक रूप से आप एक कहानी जैसा बनाकर कहनी चाहिए। केवल पठन करना नहीं चाहिए, वो उससे कहानी प्रभावशाली नहीं बन पाता है। जब तक आप मौखिक रूप से नहीं कहेंगे वो उतनी प्रभावशाली नहीं होगी। इसलिए कहानी को हमेशा मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षक द्वारा कहानी तन्मयता एवं स्वाभाविक ढंग से करना चाहिए ताकि कहानी रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन सके। जब भी शिक्षक कक्षा में कहानी पढ़ाने जाता है उसको बिल्कुल तन्मयता के साथ एवं स्वाभाविक रूप से, यानी ठाकुर का अगर कुआं आप पढ़ा रहे हैं तो ठाकुर का जब भी आप उसका पात्र के चरित्र बोलें आपको वैसा ही बोलना चाहिए था। अथवा जब उस गरीब व्यक्ति के बारे में बोलना है तो आपको बिल्कुल उसके जैसा व्यवहार करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। तो अगर आप तन्मयता एवं स्वाभाविक ढंग से कहानी पढ़ाएंगे तो छात्र बहुत रुचि लेंगे, बहुत उनको आनंद आएगा। कहानी कथन के समय छात्रों का ध्यान कहानी पर केंद्रित कराने के लिए बीच बीच में प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए। आप कहानी कह रहे हैं, ऐसा होता है कुछ बच्चे ना भी ध्यान दे रहे हों, आपस में बातें करने में तल्लीन हो, इसलिए आप जब कहानी कहते हैं कुछ कहानी कह लीजिए फिर बीच में कुछ प्रश्न पूछ लीजिए ताकि बच्चा जिसका ध्यान इधर उधर भटक रहा उसका ध्यान कहानी पर केंद्रित हो जाए कि हाँ सर मुझसे ये पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। वो कहानी की समाप्ति पर कुछ प्रश्न छात्रों से अवश्य पूछने चाहिए ताकि कहानी का अभ्यास छात्रों को हो जाए। जब आप कहानी समाप्त कर लेते हैं तो उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, जैसा कि आपने पाठ योजना में मूल्यांकन के अंतर्गत किया था। इससे यह पता चल जाता है कि छात्र कहानी को कितना समझा है अथवा नहीं समझा है। अगर नहीं समझा होगा तो फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा दोबारा उसको पढ़ाने का, समझाने का। इसीलिए जब भी कहानी समाप्त हो जाए उससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिसके माध्यम से आप कहानी को रोचक बना सकते हैं। कुछ शिक्षकों की अपनी अपनी काबिलियत होती है, वो अपना विचार लगा सकते हैं कि कैसे और इसको सजीव बनाया जाए कहानी को। तो हमारा आज का चर्चा का विषय यही रहा कि कहानी शिक्षण की पाठ योजना कैसी बनाई जाए। तो आपने देखा, एक उदाहरण के माध्यम से समझा,
कहानी शिक्षण की पाठ योजना, और फिर हमने चर्चा किया कि कैसे उस पाठ योजना को कार्यान्वित किया जाए, कैसे उस पाठ योजना को आप अध्यापक के रूप में लागू करेंगे। फिर हमने चर्चा की कि कैसे एक कहानी को रुचिपूर्ण बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कहानी शिक्षण की पाठ योजना बनाई जाती है, उसका कैसे क्रियान्वयन किया जाता है, तथा आप अध्यापक की जब बनेंगे तो कैसे आप कहानी को एक रुचिपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।